Dear students, assalamu alaikum. Today we start the lecture on the measuring instrument for class metric, and first subject is physics. So in which first one is the measuring instrument, in which first one is physical balance. Actually, the function of physical balance is to use the mass of object. ये जो हमारे पास physical balance है बेटा, ये किसी object के mass को मेयर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. सो हाउ यू कैन डिफाइन द फिजिकल बैलेंस या व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ फिजिकल बैलेंस. द फंक्शन ऑफ फिजिकल बैलेंस, द फंक्शन ऑफ फिजिकल बैलेंस इज यूज टू फाइंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिजिकल बैलेंस इज टू यूज टू मेयर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. वो डिवाइस जो किसी ऑब्जेक्ट को मास मेयर कर सके, मास फाइंड कर सके, इस डिवाइस को हम नाम देते हैं फिजिकल बैलेंस. मीन्स डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस. आर डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज फिजिकल बैलेंस. सो इट मेजर द मास सर्टेनली. ये मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नॉट द वेट. ये जान लें बेटा, ये जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस वो डिवाइस है जिसके लिहाज से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मास को मेजर कर सकते हैं, मगर हम वेट को ये मेजर नहीं कर सकेगा. हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द मास सर्टेनली नॉट द वेट, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जी. ये जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस है, ये जी पे वैल्यू पर डिपेंड नहीं करा है, मगर ये इंडिपेंडेंट है. सो डिवाइस आर इंस्ट्रूमेंट which is used to find the mass of object or which is used to measure the mass of object is called physical balance, and it is not used to measure the weight, and this physical balance is independent from the value of g, means acceleration due to gravity. Here small g indicates acceleration due to gravity, and its constant value is 9.8 meter per second square. So we have second topic is vernier caliper. Actually vernier caliper is a device which is used to measure the distance up to 1 millimeter. वर्नियर कैलिपर वो डिवाइस है जो 1 millimeter डिस्टेंस तक मेजर कर सके, इसे डिवाइस को हम नाम देते हैं वर्नियर कैलिपर. मीन्स डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस अप टू 1 millimeter आर नोन एज वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर वो डिवाइस है जो 1 millimeter तक मेजर कर सके, इस डिवाइस को हम नाम देते हैं वर्नियर कैलिपर. सो इट्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब यह है ये किस पे मुश्तमिल है और कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन से इसके इंपॉर्टेंट पार्ट के नाम हैं. सो फर्स्ट वन इज इट कंसिस्ट ऑफ मैन स्केल, सेकेंड वन इज वर्नियर स्केल. मीन द मैन स्केल एंड वर्नियर स्केल आर द मेन पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर. इट फ्रीली मीन्स वर्नियर कैलिपर फ्रीली मूव ऑन मैन स्केल. ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल के ऊपर आसान से मूव कर सकता है. वर्नियर कैलिपर इस 9 millimeter लॉन्ग. ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, इसका जो हमारे पास लेंथ है वो 9 millimeter है, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट. हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है, इसको दो मेन स्केल हैं, एक तो हमारे पास मेन स्केल है, दूसरा हमारे पास वर्नियर स्केल है. हमने ये कहा जो हमारे पास वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, इसका जो लेंथ है वो 9 millimeter है, और हमने वर्नियर स्केल को 10 इक्वल पार्ट में तकसीम कर लिया. सो द डिफरेंस बिटवीन द मेजर द डिफरेंस बिटवीन द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल इज 0.1 millimeter या 0.01 centimeter. हमने ये कहा जो हमारे पास मेन स्केल है और जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.1 millimeter है या 0.01 centimeter. और इसको हम नाम देते हैं व्हिच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. ये जो हमारे पास 0.1 millimeter या 0.01 centimeter, इसको हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट का सिंबल तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसका सिंबल है L.C. सो द फंक्शन ऑफ लीस्ट काउंट इज दैट इट इज यूज्ड टू फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट. लीस्ट काउंट का क्या फंक्शन होता है? लीस्ट काउंट का मतलब यह है सिंबलिस्ट वैल्यू. मीन्स द फंक्शन ऑफ लीस्ट काउंट आर लीस्ट काउंट इज यूज टू फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट. सो हुआ सेकंड पार्ट इज
second, third devices, micrometer screw gauge. Micrometer screw gauge is used to measure the length, means device which is used to measure the length up to 1/100 cm. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वो डिवाइस है बेटा जो 1/100 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर तक मेजर कर सके, मींस वो डिस्टेंस जो वर्नियर कैलिपर मेजर नहीं कर सके उस डिस्टेंस को, इस स्मॉलर डिस्टेंस को ये ही माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजर कर सकेगा। सिमिलरली इसका भी हमें कंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा। ये जो हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसके दो मेन स्केल हैं, यहाँ पर एक तो मेन स्केल है, दूसरा हमारे पास सर्कुलर स्केल है। उसके जगह पे हम मैन स्केल तो यूज़ कर रहे थे वर्नियर स्केल की जगह पे, और उसके साथ साथ हम वर्नियर स्केल यूज़ कर रहे थे, मगर अभी हम वर्नियर स्केल की जगह पे हम यहाँ पे सर्कुलर स्केल यूज़ करेंगे। सो इट इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर। ये जो हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है वो किसी ऑब्जेक्ट के डायमीटर को मेजर करने का इस्तेमाल हो रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज टू मेजर द डायमीटर आर द थिकनेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। सो द सर्कुलर स्केल मूव ऑन मेन स्केल, ये जो हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसमें हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर मूव कर रहा है, और इसका जो हमारे पास है लेंथ मिला हुआ है वो सेंटीमीटर में मिला हुआ है। सो वी हैव फोर्थ वन इज स्टॉप वॉच। द फंक्शन ऑफ स्टॉप वॉच इज टू यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल। ये जो हमारे पास स्टॉप वॉच है वो टाइम इंटरवल को मेजर करने का इस्तेमाल हो रहा है, मीन्स टाइम के इवेंट को मेजर करने का इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ यूज इन लेबॉरेटरी या लेब। ये जो हमारे पास स्टॉप वॉच है यह तो हम इसको लेबॉरेटरी में यूज़ कर रहे हैं या लेब में यूज़ कर रहे हैं। सो इट हैज़ टू मेन पार्ट। ये जो हमारे पास स्टॉप वॉच है इसके दो मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो एम होता है, और दूसरा जो इसमें मेन पार्ट होता है वो एस होता है। एम स्टैंड फॉर मिनट है, एस स्टैंड फॉर सेकेंड है। सो वी हैव द फाइव टॉपिक्स। मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर वो डिवाइस है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम यूज़ करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों के डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर नोन एज मेजरिंग सिलेंडर। वो डिवाइस जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को, किसी लिक्विड की वॉल्यूम को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, इसको हम नाम देते हैं मेजरिंग सिलेंडर। सो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ये जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है वो ग्लास से बना हुआ है, और इसका फंक्शन ये है कि इसके लिहाज से हम किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। सो वी हैव द सिक्स टॉपिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन होता है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। टू फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ये रिलेशन होता है जिसमें अगर हम एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है आप क्या लिखोगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी इन विच वन इज इंक्रीज अदर इज आल्सो इंक्रीज, इन विच इफ सेकंड इज डिक्रीज अदर इज आल्सो डिक्रीज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है, इनमें से अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा, इनमें से अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा दूसरा भी डिक्रीज होगा। मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक इंक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये जो नेक्स्ट टॉपिक HWI डायरी है वो आप लोगों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और सबसे पहले आप लोग इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को पढ़ के हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे लेक्चर पे मिलेंगे और इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को चाहिए कि आप सबसे पहले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को अच्छे तरीके से पढ़ लें। थैंक यू।